क्या आपका भी काम जो है वह कंप्यूटर पर निर्भर है या इंटरनेट पर? यदि आप वर्क फ्रॉम होम करते हैं तो इंटरनेट पर ज़रूर आप काम कर रहे होंगे, लैपटॉप पर आप काम कर रहे होंगे, पीसी पर, लैपटॉप पर, कंप्यूटर पर आपका काम नित्य रूप से होता होगा। यदि ऑनलाइन बिजनेस है आपका तो भी आपको इंटरनेट की आवश्यकता मूल रूप से पड़ती होगी। क्या आप जानते हैं कि इंटरनेट के जो मूल रूप से जो कारक हैं, जो ग्रह हैं, वह है राहु देव। और राहु जिसकी सिर्फ बुद्धि है, जिसका सिर्फ सिर है और धड़ केतु, यह राहु हमें लगातार इस प्रकार की भी पीड़ा दे सकता है कि कोई भी कंप्यूटर से जुड़ा हुआ, हमारी जो जॉब है, हमारा जो बिजनेस है, यदि कंप्यूटर से और इंटरनेट से जुड़ा हुआ है और दिमागी रूप सिर्फ मशीनी है, तो यह पीड़ाएं आपको लगातार आ रही होंगी कि जो ऑनलाइन बिजनेस है आपका, वह या तो चलता नहीं होगा, रिपीट आपको ऑर्डर्स नहीं आते होंगे, या फिर यदि आपकी जॉब है जो ऑनलाइन है उसमें आपको या तो प्रमोशन नहीं मिल रहा होगा, या आपके लगातार बनाए हुए प्रोजेक्ट्स में आपको लगातार परेशानियां आ रही होंगी कि आपका प्रोजेक्ट फाइनल नहीं होता या रिजेक्ट हो जाता है बार बार। तो इन परेशानियों से दूर हो जाने के लिए कर लेना चाहिए हमें राहु का उपाय। जैसा कि हम सब जानते ही हैं कि राहु हैं शनि के छाया ग्रह, और शनि का काम ये है चीज़ों को धीरे धीरे शनै शनै करने का, और राहु का काम है बुद्धिमता को भ्रष्ट करने के बाद इंटरनेट के द्वारा, कंप्यूटर के द्वारा और इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा, इन सब चीज़ों से आपको लगातार घेर कर आपकी बुद्धिमता पर अटैक करने वाला राहु ग्रह है, जो कि सिर्फ उल्टे काम ही करवा सकता है आपसे, यदि उल्टा चल रहा हो। एकमात्र ऐसे दो ग्रह जो कि हैं राहु और केतु, जो हमेशा ही वक्री चलते हैं, उल्टे चलते हैं, ऐसे ग्रह हैं जो कि उल्टे कामों को करवाते हैं। चाहे जुआ हो, आईपीएल आ रहे हैं, या लॉटरी हो, या इस प्रकार के सट्टे से जुड़े हुए काम हो, इस तरफ हमारे दिमाग को लगाने के लिए राहु ही जिम्मेदार होता है। बुरे कामों से बचाने के लिए हमें राहु को अच्छा कर लेना चाहिए। आपको यह भी देख लेना चाहिए कि आपकी जन्मपत्री में राहु और केतु की यदि अंतरदशा चल रही है, दशा चल रही है इनकी, तो आपको किस प्रकार उपाय कर लेना चाहिए। उपाय आपको करना चाहिए यह है कि शनिवार के दिन आपको चमड़े की काले रंग की चप्पलों को दान करना चाहिए। किसी भी गरीब अथवा कोड़ी यदि आपको मिल जाए किसी भी मंदिर के बाहर, या फिर किसी भिखारी के रूप में आपको यदि कोई कोड़ी व्यक्ति मिलता है, तो उसको काले रंग की चमड़े की चप्पल आप दान कर दें। इससे आपको राहु में बिल्कुल जल्द से जल्द राहत मिल जाएगी। और दूसरा उपाय आपको कर लेना है वह यह है कि राहु के जो उपाय हैं उसमें मूल रूप से आपको काले अथवा ग्रे रंग के कंबल को अपने ऊपर से वार देना है 7 बार, और ऐसे कंबल को आपको कर देना है किसी कोड़ी को दान। मित्रों, यह दो उपाय आप कर ले, और इसके बाद देखें जो भी इंटरनेट से जुड़े हुए आपके व्यापार हैं, जो आपकी जॉब है, उसमें लगातार आपको अब सक्सेस मिलने लगेगी, और अब आपका जो भी काम है, आय का स्रोत है, वह धीरे धीरे कर अब बढ़ता चला जाएगा और जाएगा सीधे आपको लेके ऊपर की ओर। और यदि ऐसा हो जाता है तो धन्यवाद के रूप में ओम शनि शनैश्चराय नमः ज़रूर लिखें कमेंट बॉक्स में। और यदि आपके कोई प्रश्न हो आपकी जन्मपत्री से जुड़े हुए, या आपके जीवन में आ रही समस्याओं से जुड़े हुए, तो नीचे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर हमसे पूछ लें। अन्य वीडियोस के लिए लगातार बने रहने के लिए सब्सक्राइब करें भविष्य नक्षत्र चैनल को, और लगातार लाइक करें हमारे वीडियो को। आज की वीडियो के लिए इतना ही। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।